वैसे हार कहते हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी रुपए। मैं आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ड्रॉप करें, सो दैट आप लोग की इंगेजमेंट हमें इंकरेज कर सकें। वेयर हाउस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मतलब स्पेसिफिक टाइटल नहीं है कि वेयर हाउस जॉब्स, तो अब मैं उस पर रिलेटेड वीडियो एक और बनाना चाह रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो सके और मैं आप लोगों को उस वीडियो का रेफरेंस दे सकूँ जो अगर कोई जॉब किसी जॉब में इंटरेस्टेड है। वेयर हाउस की जॉब है 50 कैंडिडेट्स एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। 11 घंटे ड्यूटी है और 11 घंटे 11,000 सैलरी और 1100 दिरहम सैलरी है और 11 घंटे ड्यूटी है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, फूड नहीं है, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, क्लीनर की जॉब में भी बता चुका हूँ कि अगर खुद का वीज़ा है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं तो कंपनी वीज़ा प्रोवाइड कर रही है। और विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज में आपको वो लोग वीज़ा प्रोवाइड करेंगे अगर आप इनसाइड कंट्री है, या अगर आप यहाँ से विजिट पर जाते हैं और वहाँ पर आप होते हैं तो आपको ऑफर लेटर और ये वीज़ा वो विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज में करके देंगे। नाइजेरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियंस और कोई भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, नाइजेरियन बोल रहा हूँ, अफ्रीकन अप्लाई कर सकते हैं, नाइजेरियन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और एज वही अगेन आपकी मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे लेस देन होनी चाहिए। और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि जो वेयर हाउस है उसमें हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं हैं ज़्यादातर, तो सैलरी तो नो डाउट कम है, ठीक है, बट अगर किसी को इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो वो बंदा वहाँ पर चल सकता है और वो बंदा उनको चाहिए। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के साथ डिस्कस की, आप लोगों को अगर लगता है तो इसको शेयर करें किसी के साथ या किसी को इसका लिंक सेंड करें, मे भी कोई बंदा इसमें इंटरेस्टेड हो उसकी जॉब हो सकती है। मैं प्रोवाइड नहीं करा, काफ़ी सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है, या मैं कन्फ्यूज हूँ कि कभी कह रहा हूँ कि है, कभी कह रहा हूँ कि नहीं, मैं नहीं कह रहा, बट मुझे ऑफकोर्स यूट्यूब पर कुछ ना कुछ कॉन्टेंट तो डालना है, तो जो जॉब्स लोग दे रहे हैं, ठीक है, या जो जो स्टिल ये काम कर रहे हैं और जिनको मैं ऑथेंटिक समझता हूँ उनके बिहाफ पे मैं ये वीडियोस डालता हूँ, सो दैट मेरे पास भी कंटेंट आए और उनके पास भी कुछ ना कुछ मेरी वजह से मतलब ट्रैफिक जा सके और आप लोगों की भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। लोगों को अलहमदिल्ला हेल्प हो रही है तो तभी मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना तो मैं ये काम पहले स्टॉप कर चुका था। बट ऑफकोर्स मुझे वीडियोज़ डालनी है, मैं बाद में सोच रहा हूँ अच्छा अगर मैं इस पर वीडियो नहीं डालूँ, इस पर भी नहीं डालूँ तो किस पर डालूँ, और कॉन्टेंट है ही यही। अब मैं स्टडी वीज़ा पे वीडियो डालूँ, किसी और पे डालूँ तो उस पर इतने व्यूज़ और इतने व्यूज़ की बात भी नहीं है, मतलब वो मेरा लाइन नहीं है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।